अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड बाय हुमेरा। और कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। तो रेसिपीज़ तो हो गई बहुत सारी, आज मैंने सोचा कुछ वायरल ट्राई करते हैं। तो मेरे घर में टोमेटो की चटनी तो सबको बहुत पसंद है, बट मैंने कुछ अलग तरीके से बनाने का सोचा जो यूट्यूब पर भी बहुत वायरल हो रही है। तो मैंने वो चटनी बनाने का ट्राई किया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए, मैंने ये चटनी मेरे हिसाब से कैसे बनाई है वो हम लोग देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वायरल टोमेटो की चटनी बनाने के लिए मैंने टोमेटोज ले लिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, वायरल टोमेटो चटनी बनाने के लिए मैंने टोमेटो कट करके ले लिए ऐसे। सबका तरीका अलग अलग होता है, मेरा भी तरीका अलग है टोमेटो चटनी बनाने का, बट ये मैंने बहुत देखा है इंस्टा पे भी और यूट्यूब पे भी। तो चलिए ट्राई करते हैं। ऐसे टोमेटोज मैंने कट कर लिए है और थोड़े से मैंने लहसुन ले लिए। ये दोनों को हम पहले फ्राई करके ले लेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन लिया है फ्रेंड्स, उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया और इसमें हम ये हमारे टोमेटोज रख देंगे। तो फ्रेंड्स, ये सब टोमेटोज मैंने रख दिए हैं, इसे हम थोड़ा ढक करके कुक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, बराबर 2 मिनट लगते हैं इतने टोमेटोज के लिए। या आपका पैन अगर बड़ा होगा तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो, मेरे पास पैन छोटा है। आप लोग देख सकते हैं ये टोमेटो के छिलके निकल रहे हैं, पर मैं इसमें नहीं निकालूंगी। मैं इसको पहले अपने बाउल में ले लेती हूँ और हमारे बाकी के टोमेटोज भी हम इसे फ्राई कर लेते हैं, फिर इसके हम छिलके पूरे निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, जब तक हमारे दूसरे टोमेटोज फ्राई होते हैं, ये देखिए छिलका आसानी से निकल रहा है, बहुत गर्म है फ्रेंड्स, ठीक है। आराम आराम से सारे के छिलके निकाल लीजिए, जो स्किन है उसकी। फ्रेंड्स, इसके छिलके जो है वो आराम से निकल रहे हैं, पर ये जो पॉइंट है ना फ्रेंड्स, इसके लिए मुझे नाइफ़ का यूज़ करना पड़ा है, क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं निकल रहे, या तो फिर वो बहुत ज़्यादा गर्म है, इस वजह से मेरे हाथ से नहीं निकल रहे। और जब मैंने इसको कुकिंग के लिए रखा था ना फ्रेंड्स, देखिए, तो मैंने क्या किया था, थोड़ा सा इसको ऐसे टर्न भी कर दिया था। ये देखिए, आप टर्न करते हो ना तो थोड़ा सा उसका जो स्किन है ना वो कुक होके सॉफ्ट हो रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। यही टिप आपके साथ शेयर करनी थी मुझे। तो ऐसे थोड़ा सा उसको कुक कर लेंगे और इसके भी छिलके हम निकाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने जब इसको टर्न कर दिया ना, इसके छिलके सॉफ्ट हो गए। ये मेरी टिप है, मैंने ऐसे इसको कुक किया है। आपको ऐसे डायरेक्ट ऐसे ही कुक करना कीजिए, बट ये थोड़ा थोड़ा इसको टर्न कीजिएगा तो इसके जो छिलके हैं वो सॉफ्ट हो रहे हैं फ्रेंड्स, ये देखिए, वरना इससे ज़्यादा वो और ज़्यादा ब्लैक हो जाएगी, ठीक है। अब ये वाले भी हम क्या करते हैं, हमारे इसी बाउल में निकाल देते हैं फ्रेंड्स, आहिस्ता आहिस्ता से। तो अब इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है और ये जो हमारे हमने लहसुन कट करके छिलके लिए हुए थे, हम उसको भी क्या करेंगे, फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए, बिकॉज ऑलरेडी हमारा पैन जो है बहुत ज़्यादा गर्म है, इसको होने दीजिए। तब तक हम क्या करते हैं, ये जो हमारे टमाटर है बचे हुए, उसके भी हम क्या करते हैं, छिलके जो है वो निकाल लेते हैं। थोड़ा वेट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा गर्म है फ्रेंड्स ये, ठीक है। देखिए सॉफ्ट तो हो चुका है, देखिए आप लोग देख सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा गर्म है। 1-2 मिनट के लिए वेट करेंगे, फिर हम छिलके निकाल देंगे। तो गाइस फ्रेंड्स, ये अब्दुल रहमान मुझे हेल्प कर रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सारे छिलके मैंने इसके निकाल दी हूँ। मैं ट्राई करती हूँ फोक से, बिकॉज इतने तो सॉफ्ट हो चुके हैं वो। ये फोक से हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से पूरे टोमेटोज को, तो फ्रेंड्स ये जो मैंने लहसुन फ्राई किए थे मैंने ये भी ऐड कर दिए, ठीक है। देखिए मैं थोड़ा थोड़ा इससे कर रही हूँ, ये अच्छे से स्मैश हो जाने चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने फोक से भी ट्राई किया बट उससे थोड़ा नहीं हुआ, तो मैंने मेरा स्मैशर ले लिया, बेस्ट है ये। तो देखिए इससे हो रहा है, ये आपके ऊपर है आपको कितना इसको स्मैश करना है, ठीक है।
ज़्यादा तो स्मैश हो चुका है ये, थोड़ा सा और स्मैश कर देंगे हम इसको। तो फ्रेंड्स ये अच्छे से देखिए, थोड़ा मोटा मोटा रखा है मैंने, ज़्यादा भी इसको स्मैश नहीं किया है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हम पहले ये सब इंग्रेडिएंट्स है हमारे, मैंने प्याज ली है, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर लिया है, आप तीखा अपने हिसाब से रख सकते हो, थोड़ी सी हल्दी ली है, थोड़ा नमक लिया है, थोड़ी सी कोथमीर ली और एक ग्रीन चिली ली है फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे घर में ऐसे कट ग्रीन चिलीज नहीं खाते, इसके लिए मैंने एक ही ली है। आपको ज़्यादा लेना है आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो चलो बिस्मिल्लाह बोल के सब इसमें ऐड कर देते हैं हम लोग, ये सारे मसाले, ये नमक, ठीक है, ये सब मैंने इसमें ऐड कर दिया फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा नींबू लिया है फ्रेंड्स मैंने, और एकदम थोड़ा सा जो है मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ, आधा ही नींबू मैंने ऐड किया है फ्रेंड्स, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इसको मिक्स कर लूँगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसे अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए, देखिए एकदम आहिस्ता आहिस्ता से, मेरे स्पून का आवाज़ बहुत आता है फ्रेंड्स, सॉरी फॉर दैट। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, ये जो हमारी टोमेटो की चटनी है ये एकदम बनकर रेडी है फ्रेंड्स। देखिए कुछ ज़्यादा नहीं, सिर्फ इसको टोमेटो कुक करने में थोड़ी सी मेहनत है। अब ये वायरल है तो इसके लिए मेरी रेसिपी तो नहीं है, बट हम इसे ट्राई करेंगे और आपको ज़रूर बताएंगे कि ये कैसी बनी है। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारी ने एक्चुअली ये वायरल चटनी रेसिपी है टोमेटो की, तो ये मैंने ट्राई तो की है, पता नहीं कैसा टेस्ट है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए कुछ अगर मैंने गलत कर दिया है तो। और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, स्ट्रीट फूड बाय हुमेरा को, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल स्ट्रीट फूड बाय हुमेरा। तो चलिए अभी अब्दुल रहमान और अब्दुल बासित को थोड़ा सा टेस्ट के लिए देते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स अभी अब्दुल रहमान और अब्दुल बासित टेस्ट करके बताएंगे कि हमारी वायरल टोमेटो चटनी यानी जो वायरल टोमेटो चटनी है वो कैसी बनी है। सच्चा रिव्यू चाहिए दोनों की तरफ से। कैसी है? बहुत टेस्टी है। अच्छी बनी है? बहुत। तो चलो ये मतलब वायरल जो चटनी है टोमेटो की वो सही में बहुत अच्छी बनती है फ्रेंड्स। तो ठीक है आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स ये चटनी को, और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बोलो। अल्लाह हाफिज़।